टूडे वी विल डू क्लास फिफ्थर एक्सपेरिमेंट विदिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो आयशा वॉचड एस अ मदर रोल्ड आउट दूरी एंड पोट इन द हॉट ऑयल आयशा जो है वो डिनर का वेट कर रही थी और उसकी मम्मी जो है आज वो डिनर में क्या बना रही थी उसका फेवरेट फूड पूरी और स्पाइसी टैटोस आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पुरी आयशा अपनी मम्मा को क्या कर रही थी देख रही थी वो क्या कर रही थी पूरी को रोल कर रही थी और हॉट ऑयल में डाल रही थी शी सा दैट एट फर्स्ट द पूरी सेंक टू द बॉटम ऑफ द पैन एज इट पफ्ट अप

चली गई और उसके बाद क्या हुआ वो एकदम से फूली और ऊपर आ गई और तैरने लगी ऑयल के अंदर वन पूरी डिड नॉट परफेक्ट लेकिन एक पूरी जो है वो नहीं फूली और ना ही तैर रही थी अदर पूरी की तरह ये देखकर कर आयशा ने क्या किया थोड़ा सा डो लिया उसे रोल किया एक बॉल में और उसे फ्लैट करके एक पानी के बाउल में डाल दिया और लेकिन क्या हुआ वो डूब गया बॉटम में चले गया और वहीं पर चिपक गया Think what would happen if Aisha put a puff puri in a bowl of water? Will it sink or float? Aisha जो है अगर एक फुली पूरी को बॉटर के बाउल में रखती तो क्या होता वो डूबती या तैरती The puri would float. You put a steel plate on water. Will it sink or float? What would happen to a spoon? अगर एक स्टील की प्लेट को हम वाटर में रखेंगे तो क्या होगा वो तैरेगी या डूबेगी और एक स्पून के साथ क्या होगा इफ आई पुट द स्टील प्लेट केयरफुली ऑन वाटर इट वुल्ड फ्लॉट द स्पून वुल्ड सिंक अगर हम रखेंगे स्टील की प्लेट को केयरफुली वाटर में तो वो तैरेगी ठीक है बट द स्पून वुल्ड सिंक और जो स्पून है वो डूब जाएगा वल्ड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लॉट ऑन वाटर द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल वुल फ्लॉट ऑन वाटर जो प्लास्टिक की बॉटल का कैप है वो क्या होगा फ्लॉट करेगा इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ शी हैड जस्ट कम आउट वेन हर मदर कॉल्ड आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वॉटर अगेन टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस आयशा इवनिंग के टाइम पर बाथ के लिए गई और वो जल्दी में थी और इसीलिए वो तुरंत ही बाहर आई और उसकी मदर ने क्या किया उसे बुलाया और कहा आयशा तुमने दोबारा क्या किया सोप को वाटर में डाल दिया डुबा दिया टेक इट आउट और उसे बाहर निकालो और साबुनदानी में रखो आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट आयशा क्या थी जल्दी में थी और उसके हाथ से वो सोप केस क्या हुआ गिर गया कहाँ पर उसके हाथ से गिर गया पानी में इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर और वो पानी में तैरना शुरू करने लगा आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस शी सा दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद सोप इन इट आयशा ने क्या किया तुरंत ही उसमें सोप रख दिया सोप केस में लेकिन उसने फिर भी क्या देखा वो कंटिन्यू फ्लोट कर रहा था इवन विद सोप इन इट उसके अंदर सोप होने के बाद भी हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर थिंग्स इंग थिंक हाउ दिस हैपन द पोएम हेयर रेइ सच क्वेश्चन हैव यू सीन दैट सम थिंग्स क्या आपने ऐसी कई चीज़ें देखी है जो पानी में तैरती है जबकि अदर चीज़ें जो हैं वो डूब जाती है थिंक हाउ दिस हैपन सोचो कि ऐसा क्यों होता है और जो हमें पोएम दी हुई है नीचे ये भी कुछ क्वेश्चनस इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर देखने हैं तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यस आई हैव ऑब्जर्व दैट सर्टेन थिंग फ्लॉट वाटर वाइल अदर सिंक एवरी थिंग डिसप्लेसिज वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इफ द डिस वाटर इज मोर देन देट ऑफ अ थिंक देन द थिंग फ्लॉट अदरवाइज इट सिंक्स इन वाटर यानी कि हाँ हमने ऑब्जर्व की हैं कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो तैरती है और कई डूब जाती हैं एवरी थिंग डिसप्लेसिज वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम हर एक चीज का जो डिस्प्लेस होता है वो वाटर के इक्वल होता है इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज मोर देन द वेट ऑफ अ थिंग अगर वाटर का जो डिस्प्लेस्ड है वो ज्यादा होगा किसी भी चीज के वेट से तो वो चीज क्या करेगी पानी में तैरेगी अदरवाइज वो डूब जाएगी ठीक है अब एक पोएम है हम वो पढ़ेंगे वाई ओ वाई अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लॉट बट अडल विल सिंक वाई डज दिस हैपन लेट मी थिंक एंड आयरन शिप विल फ्लॉट आल्सो फ्लॉट थ्रू इट्स मच हैवियर दैन माई बोट बट अडल लाइट एज अव थिंग एज अ पिन विल सिंक राइट इन वाई डज दिस हैपन लेट मी थिंक कि ऐसा क्यों होता है एक वुडन बोट जो होती है वो वाटर में तैरती है बट नीडल जो होती है वो बहुत वो डूब जाती है वाईडस दिस हैपन एन आयरन शिप विल आल्सो फ्लोट एक आयरन की बनी हुई शिप जो होती है वो भी पानी में तैरती है क्यों तैरती है ऐसा क्यों होता है बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा हैवी भी होती है बोट से लेकिन एक नीडल जो एक बहुत ही लाइट लीफ की तरह और बहुत ही पतली होती है एक पिन की तरह वो डूब जाती है वाई डज दिस हैपन ऐसा क्यों होता है ठीक है डू दिस एंड फाइंड आउट डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ फोर फ्रेंड्स ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पोट फिल्ड विद वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल पुट ईच थिंग्स वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज डू दिस एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है फोर फोर फ्रेंड के ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करना है जिसके लिए आपको क्या करना है एक बिग पॉट में पानी भरना है और जो थिंग्स आपको टेबल में दी गई हैं वो लेनी है और वन बाय वन उन्हें पानी में डालना है और ऑब्जर्व करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को नेक्स्ट पेज पर आपको जो टेबल दी है उसमें फिल करना है ठीक है तो यहाँ पर हमारी टेबल है मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लॉट और मार्क रोंग फॉर दोस्ट दैट सिंक जो चीज़ें फ्लॉट करती है उसके लिए आपको टिक लगाना है और जो फ्लॉट नहीं करती उसके लिए आपको क्रॉस लगाना है थिंग्स टू बी पुट इन वाटर आई गेस्ट बिफोर आई डिडिट आई सान आई डिडिट एम्पटी बाउल एम्पटी बाउल को आपको क्या करना है पानी में रखना है आई गेस्ट बिफोर आई डिडिट करने से पहले आपने क्या गेस किया था कि वो डूबेगी या तैरेगी तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टिक और क्रॉस का निशान लगाना है और उसके बाद आपने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया उसके बाद आपने क्या देखा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टिक और क्रॉस का निशान लगाना है ओके सो एम्प बाउल जो है वो डूब जाएगा तो क्रॉस का निशान आफ्टर पुटिंग सिक्स सेवन स्मॉल पेबल्स वन बाय वन डूबेंगे तो क्रॉस का निशान आयरन नेल और पिन डूब जाएंगे पानी में मैच स्टिक सिंक नहीं होगी फ्लोट होगी तो टिक का निशान ओके okay, तो ऐसे ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है उसके बाद इस टेबल को फिल करना है आपका ऑब्जरवेशन जो भी था वो आपको इस टेबल में फिल करना है ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स प्लॉटेड एंड विच इन द वाटर अदर ग्रुप से आपको फाइंड आउट करना है आपने फोर फोर के ग्रुप्स बनाए थे अब आपको क्या करना है अदर ग्रुप से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ्लोट फ्लोटेड हैं और कौन सी डूब रही हैं आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं द आयरन नेल सैंक इन वाटर बट द कटोरी फ्लॉटेड आई थिंक दिस हैपन बिकॉज आयरन नेल कुल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर ट वॉज डिसप्लेस्ड बाय द कटोरी ठीक है आयरन नेल जो है वो डूब गई इन वॉटर बटता कटोरी फ्लॉटेड आई थिंक दिस हैपन क्यों क्योंकि आयरन नेल कुल डिसप्लेस्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर धैन वट वॉज डिसप्लेस्ड बाय द कटोरी द एम्पटी प्लास्टिक बॉटल फ्लॉटेड ऑन वाटर द बॉटल फिल्ड विद वाटर सैंक बिकॉज द फील्ड बॉटल कुल्ड डिसप्लेस्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू इट्स वेट उसके वेट के अकॉर्डिंग जो डिसप्लेस्ड थी वो लेस अमाउंट थी वाटर में इसीलिए उसका वेट जो था वो ज्यादा हो गया फील्ड बॉटल का और वो पानी में डूब गई द एलुमिनियम फॉयल फ्लॉटेड वेन इट वॉज स्प्रेड आउट वेन प्रेस टाइटली इन टू अ बॉल इट दिस में हैव बिकॉज़ अलुमिनियम फ़ॉयल स्प्रेड आउट कुल्ड डिस्प्लेस मोर वाटर कंपेयर टू इट्स वेट तो ये आप जब एक्सपेरिमेंट्स कर लोगे उसके बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं नेक्स्ट इट इज मैजिक वेन आयशा वॉक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड फीवर अबू मेड सम टी एंड वेन टू गिव मेडिसन टू अम्मी यू टोल्ड आयशा यू बॉय एक्स also put some salt in the water aisha took water in a pot by mistake she put too much salt in the water she was the she saw the egg at the bottom of the pot came up a little and start to float in water वेन आयशा वॉकअप इन द मॉर्निंग जब आयशा मॉर्निंग में उठी तो उसकी अम्मी को क्या हो गया था फीवर हुआ था और उसके अबू क्या कर रहे थे चाय बना रहे थे और उसकी अम्मी को मेडिसिन देने के लिए जा रहे थे और उन्होंने आयशा से क्या कहा कि तुम अंडे उबाल दो आल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर और पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल देना आयशा ने क्या किया पोट में एग बॉयल करने के लिए नमक ज़्यादा डाल दिया ठीक है शीशा और उसने क्या देखा जो एग्स हैं वो पोट की बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आ गए और पानी में तैरने लगे टेक सम वाटर इन अ ग्लास पुट अ लेमन इन इट नाउ द वाटर हाफ अ स्पून एट अ टाइम वेयर यू एबल टू फ्लॉट योर लेमन इन वाटर आपको क्या करना है टेक सम वाटर इन अ ग्लास और उसमें एक लेमन जो है वो रखना है उसके बाद क्या करना है उसमें थोड़ा सा हाफ अ स्पून एक टाइम में सॉल्ट डालना है और देखना है क्या आपका लेमन जो है वो फ्लॉट कर रहा है वाटर में यस द लेमन स्टार्टेड फ्लॉटेड ऑन वाटर वट डू यू थिंक द लेमन फ्लॉट इन सॉल्टी वाटर बिकॉज आप क्या सोचते हो इस बारे में कि आपका जो लेमन है वो वाटर सॉल्टी वाटर में क्यों तैर रहा था बिकॉज आफ्टर एडिंग सॉल्ट द वाटर बिकम थिककर एंड दस द लेमन स्टार्टेड फ्लोटिंग सॉल्ट पानी में डालने से क्या हुआ हमारा जो वाटर है वो क्या हो गया थिक्कर हो गया जिसकी वजह से हमारा लेमन जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट करने लगा ओके okay? नेक्स्ट <laughs> है डेड सी ऑल ओशियन्स एंड सी हैव सॉल्टी वाटर द सल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी हाउ सॉल्टी इमेजिन थ्री हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन वन लीटर ऑफ वॉटर वुलड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर इफ़ विल बी वेरी बिटर इंटें इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम शी वु नॉट ड्रॉन इन द वॉटर सी शी विल फ्लॉट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट रिमेंबर द लेमन यू फ्लॉटेड इन सॉल्टी वाटर ऑल जितनी भी ओशियंस और सीज होती हैं उनका पानी कैसा होता है सॉल्टी होता है और जो सॉल्टीज वाटर होता है ये सभी के लिए एक डेड सी होती है ठीक है हाउ सॉल्टी कितना नमकीन होता होगा इमेजिन करो तीन सौ ग्राम सॉल्ट जो है वो वन लीटर वाटर में होता है तो क्या आप उस पानी को पी पाओगे टेस्ट कर पाओगे इतने सॉल्टी वाटर को नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है इंटरेस्टिंगली एक बात है कि एक पर्सन जो नहीं जानता कि कैसे स्विम करना है तो वो क्या है इस सी में सॉल्टी सी में डूब नहीं सकता वो फ्लाट करने लगेगा वाटर में एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट आपको याद होगा आपने लेमन को भी फ्लॉटिड होते हुए देखा था आपके सॉल्टी वाटर में अब है वट डिजॉल्व वट डिड नॉट ऑन संडे आयशा कजन ब्रदर हमीद कम टू हर हाउस टू प्ले एज सुन एज ही कम हीज फेवरेट शिक्कर पारा अम्मी सैड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट दैन आई विल मेक सम फॉर यू वाई डिड नॉट वाई डोंट टू हैप मी टेक टू ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट मिक्स इट इट डिजॉल्वी थोट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टी वी एक दिन संडे को आयशा का कजन जो है ब्रदर हमीद वो आया उसके घर पर खेलने के लिए एज सुन एज ही कम उसने क्या कहा फिर उसकी आंट को उसके लिए फेवरेट चक्करपारा बनाने के लिए कहा और उसने अम्मी ने क्या कहा कि मैं बाजार से आने के बाद तुम्हारे फेवरेट कुछ तुम्हारे लिए शक्कर बना दूंगी वाई डोंट यू हैप मी क्यों ना तुम मेरी मदद करो दो ग्लास पानी में एक बाउल चीनी जो है वो मिक्स करते रहो जब तक कि वो उसमें घुल ना जाए और हमीद ने क्या सोचा मैं इस काम को जल्दी से फिनिश करके टी वी देखूँगा <laughs> सजेस्ट सम वेज <वेस्ट laughs> टू हमीद फॉर क्विकली डिजोल्विंग शुगर अब हमीद को ऐसे कुछ तरीके बताने हैं जिससे कि वो शुगर को जल्दी से डिजोल्व कर सके वाटर में हमी शुड फॉलो एनी ऑफ दीज मैथड स्टिर द मिक्सचर थ्रूली वार्म द मिक्सचर ओवर अ फ्लेम या तो वो लगातार उस मिक्सचर को हिलाता रहे स्टर करता रहे और या फिर वो वार्म कर ले उस मिक्सचर को फ्लेम पर ओके नेक्स्ट <laughs> डू दिस एक्सपेरिमेंट मेक ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड फोर फाइव ग्लासेस ऑफ और बाउल स्पूंस वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल टेक सम वाटर इन ईच ग्लास नाउ ट्राई टू डिजॉल्व वन थिंग इन वन ग्लास ऑब्जर्व दैट वट हैपन् नॉट इन द टेबल फोर फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको फोर टू फाइव क्लासेज बाउल्स ग्लासेस लगेंगे और बाउल्स स्पूंस वाटर और जो थिंग्स आपको टेबल में लिस्टेड हैं वो चाहिएगी उसके बाद आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और ऑब्जर्वेशन जो भी होगा आपका वो टेबल में नोट करना है ठीक है okay. तो देखते हैं सबसे पहली थिंग okay. क्या है सॉल्ट सॉल्ट डिजोल्व हुआ वाटर में यस वट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर टू मिनट्स टू मिनट्स रखने के बाद क्या हुआ सॉल्ट एंड वाटर गेट डिजोल्व डिजोल्व हो गया सॉल्ट वाटर में और दो मिनट रखने के बाद क्या हुआ वो अच्छे से मिक्स हो गया सोयल सॉयल को वाटर में डालोगे क्या वो डिजोल्व हुआ नो no. क्या हुआ आफ्टर टू मिनट्स सॉयल सेटल डाउन एट द बॉटम वाटर बिकम मडी और वो क्या हो गया सॉल्ट जो है वो सोयल जो है वो वाटर में डाउन बॉटम में जाकर बैठ गई और पानी कैसा हो गया मडी हो गया चॉक पाउडर भी डिज़ोल्व नहीं होगा और चॉक पाउडर क्या हो जाएगा सेटल डाउन एट द बॉटम वाटर बिकम वाइटिश वन स्पून मिल्क डिजोल्व होगा यस मिल्क एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर कंप्लीटली एंड वाटर बिकम वाइटिश ऑयल डिजोल्व होगा नो ऑयल फ्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कभी भी ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता वो उसके ऊपर तैरता रहेगा ओके नाउ नेक्स्ट है टेल कुल यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर इफ नो वाई कुल यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर क्या आपको सॉल्ट जो है पानी में डिजोल्व होने के बाद दिखाई दिया है देखा है आपने कभी इफ नो वाई अगर नहीं देखा नहीं दिखा तो क्यों ऐसा क्यों है कि सॉल्ट जो है वो पानी में डिजोल्व होने के बाद आपको दिखाई नहीं देता तो हम अपने आंसर में बताएंगे सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिज़ोल्ड इन वाटर दिस इज़ बिकॉज द सॉल्ट इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर ऐसा क्यों होता है वो डिज़ोल्व होने के बाद हमें नहीं दिखाई देता बिकॉज सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है वाटर में ठीक है अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता नेक्स्ट

अभी है उसके अंदर सॉल्ट नहीं है तो वो सॉल्ट कहाँ है नो इट डज नॉट मीन दैट द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट इसका मतलब नहीं है इट डज़ नॉट मीन दैट द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट द सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर ऐसा नहीं है कि पानी में जो सॉल्ट है वो नहीं है पानी में सॉल्ट है लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा क्योंकि वो पानी के अंदर जो है अच्छे से डिजॉल्व हो गया है मिक्स हो गया है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिफरेंस डिड यू सी इन द वॉटर विद सॉल्ट एंड द वॉटर विद चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई दिए वाटर में सॉल्ट के साथ और वाटर में चॉक पाउडर के साथ उनको रख कुछ समय रखने के बाद सॉल्ट मिक्सड कंप्लीटली विद वाटर वाइल्ड चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटम विच ऑफ द टू वुल्ड यू बी एबल टू यानी कि सॉल्ट जो है वो वाटर में अच्छी तरह कम्प्लीटली मिक्स हो गया और जो चॉक पाउडर है वो क्या हो गया पानी में नीचे जा करके बैठ गया और पानी कैसा हो गया वाइटिश कलर का हो गया ओके नेक्स्ट विच ऑफ द टू वुल्ड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वॉटर बाय स्टेनिंग विद द क्लॉथ सॉल्ट और चॉक पाउडर आंसर है वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्टेरिंग विद क्लॉथ हम सेपरेट कर सकते हैं अलग कर सकते हैं चॉक पाउडर को वाटर से बाय स्टेरिंग विद अ क्लॉथ एक क्लॉथ की हेल्प से जब हम वाटर को छानेंगे तो उसमें से चॉक पाउडर जो है वो अलग हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा ओके okay?